कोरोना संकट में जिले को ऑरेंज जोन में आने के बाद मंगलवार से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू हो गया है, जबकि ग्रीन जोन में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 5 मई से ही शुरू हो गया था। मूल्यांकन केंद्रों तक पहुंचने के लिए शिक्षकों को थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइज भी कराया जा रहा है। कापियों का मूल्यांकन के लिए जिले में 6 केंद्र बनाए गए हैं तथा 2935 परीक्षक अलग अलग केंद्रों पर 25 मई तक 680,000 कापियों का मूल्यांकन करेंगे। कापियों के मूल्यांकन के लिए बनाए गए राजकीय जुबली इंटर कॉलेज, MSI इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज, सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज और मारवाड़ इंटर कॉलेज केंद्र पर मूल्यांकन शुरू हुआ। इसमें 2 केंद्रों पर इंटरमीडिएट और अन्य केंद्रों पर हाई स्कूल की कापियों का मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन की सुचिता को बनाए रखने के लिए मूल्यांकन कार्य का CCTV कैमरे से निगरानी की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जुबली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य नंदलाल यादव, MP इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह, DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया तथा संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नारायण सिंह ने बताया। मेरा नाम नंद प्रसाद यादव। आज से यहाँ मूल्यांकन शुरू हो रहा है, जिसमें कुल परीक्षकों की नियुक्ति है 379, जिसमें 112 आज उपस्थित हुए हैं, पहला दिन है, और 3670 कापियाँ वितरित की जा चुकी हैं, जो शाम तक निरीक्षण उपरांत वापस हो जाएंगे, भंडार में आ जाएंगे। सर, कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए कुछ सैनिटाइजर, मास्क वगैरह भी दिए जा रहे हैं? हाँ जी, मास्क और ग्लव्स जो है एग्जामिनर स्वयं लगा के आ रहे हैं, और सैनिटाइजर यहाँ दिया जा रहा है, साबुन उपलब्ध है हाथ धुलने के लिए, और थर्मल स्क्रीनिंग भी हो रही है एग्जामिनर्स की, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। बैठक व्यवस्था में सब एग्जामिनर पर्याप्त दूरी पर बैठकर पुस्तिकाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, प्रधानाचार्य महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। 370 टीचर अलाट थे, जिसमें से आज 148 उपस्थित हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है, 2 गज की दूरी जो है टीचरों के बीच रखी गई है। मेन गेट पे थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था है, टीचर आ रहे हैं तो थर्मल स्कैनिंग की बात है, और सबको निर्देश है कि पहले हाथ धोने के बाद ही जो है कमरे में जाएंगे। हर जगह जो है साबुन की व्यवस्था की गई है हाथ धोने के लिए, और हर जगह पे जो है प्रत्येक गैलरी में जो है हमारा एक चपरासी लगा हुआ है, जिसके पास सैनिटाइजर है कि जैसी ज़रूरत पड़ेगी उनको सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। और मूल्यांकन किस सब्जेक्ट की काफ़ी मूल्यांकन? हमारे यहाँ नागरिक शास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी, इन विषयों की कापियों का मूल्यांकन। हमारे यहाँ 5 मूल्यांकन केंद्र हैं और 5 मूल्यांकन केंद्र पर आज मूल्यांकन शुरू हो चुका है।
शुरू में स्टार्टिंग हुआ था, दो दिन लंकन चला था, उसके बाद में लॉकडाउन से रुक गया था। और मैं ऐसा करता हूँ कि मैक्सिमम 15 दिन में जितने भी कापी हमारी शेष रह गई हैं सबका मूल्यांकन समाप्त कर दूंगा। सर कितने परीक्षक लगाए गए? हर सेंटर सब मिला के हमारे पास जो है परीक्षक लगभग हमारे 3000 परीक्षक हमारे पास में। हमारे यहाँ पूरी तरह से जो सोशल डिस्टेंस का मानक है वो पूरा कराया जा रहा है, और मैं व्यक्तिगत रूप से हर सेंटर पर जाकर देखता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास लगभग कापियां हैं 4.5 लाख कापियां। जो हम लोगों को निर्देश है उसमें यह है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सभी केंद्रों पर हमारे यहाँ सैनिटाइजर हो, हाथ धोने के लिए साबुन हो, और सबका थर्मल स्कैनिंग कराई जाए जो मूल्यांकन केंद्र पर आ रहे हैं, और उनका पालन हम लोग कर रहे हैं, और सभी निर्देशों का पालन करते हुए आज मूल्यांकन हम लोगों ने प्रारंभ करा दिया है गोरखपुर जनपद। अपनी जुबली इंटर कॉलेज है, ये हमारा राजकीय विद्यालय है, और इसमें हम इस समय देख रहे हैं अभी शिक्षकों की उपस्थिति थोड़ी कम है, लेकिन हमें उम्मीद है कि कल तक ये उपस्थिति पूरी हो जाएगी, क्योंकि अभी आज पहला दिन है और पहले दिन थोड़ा सा उपस्थिति वैसे भी कम रहती है। मुझे पूरा भरोसा है कल तक उपस्थिति हो जाएगी। ये मूल्यांकन हमारा जब तक समाप्त नहीं हो जाता वैसे 25 तारीख की डेट रखी गई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम लोग 22-23 तक काफ़ी जांच लेंगे।